चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी लिए जा रहे हैं और उनके आंसर बताए जा रहे हैं विस्तार से। याद रखिए, ये सभी टेस्ट आपके, फिर चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो जिसमें आप एमपीपीएससी देख सकते हैं, बिहार पीएससी है और यूपी पीसीएस है, या राजस्थान पीसीएस है, इस तरह के क्वेश्चन जिस भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हो उन सभी के लिए भी ये टेस्ट आपके ज़रूरी रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 10 टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देख लें, सभी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लिए गए हैं। तो टेस्ट सीरीज फॉर आईएसपीसीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं। चलते हैं, तो 11वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? और एक बात और याद रखिए आप सभी, कई लोगों का कहना है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जो भी आपका क्लास अपलोड होती है, जो भी लेक्चर आता है, उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि बेल आइकन प्रेस ना करने से हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। क्वेश्चन है, आईसीएआर वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? आर वर्गीकरण के अनुसार, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? एनसेप्टिसॉल, बिल्कुल सही है, एंटीसॉल ये भी पाई जाती है, अल्फीसॉल ये भी पाई जाती है, वर्टिसॉल इसे ये भी पाई जाती है। क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 1, 2, 3 चारों आपके सही हैं। क्या है? चारों सही हैं आपके। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण के तहत एक संस्थान, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने भारतीय मृदा पर काफी अध्ययन भी किया है, यही इसका वर्गीकरण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? ऑप्शन डी, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों सही है। याद रखिए, बड़े ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चंस, वे इस पॉइंट को भी बड़े ध्यान से नोटिस कर लिया करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आते हुए भी क्वेश्चंस हम लोग कई बार गलत कर बैठते हैं, और आप देखते हैं कि कुछ ही क्वेश्चंस गलत हुए तो हम लोग कट ऑफ से भी बाहर निकल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लेटेराइट मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन फास्फेट की कमी होती है, ये काजू जैसे पादप फसलों के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी होती है, एक काजू जैसे पादप फसलों के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है। क्या है? सही कथन है आपका। दूसरा कथन क्या है? पंजाब हरियाणा में लवणीय मिट्टियों में पुनः उर्वरता लाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। रेगुड़ मिट्टियों में पोटास नाइट्रोजन एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है, लेकिन आयरन और फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, एक कपास की खेती के लिए उपयुक्त हैं, ये आपका गलत है। क्या है? ये कथन आपका गलत है। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे, एक कथन भी सही है, दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। देखता हूँ तीसरा कथन गलत क्यों है। इस पॉइंट को आप लोग या तो पहले पहले पढ़ सकते हैं या बाद में पढ़ सकते हैं, तो आपको जैसे भी सूटेबल लगे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब इसी में देख लीजिए आप लोग कि अगर पूछ लेता आपसे कि सही नहीं है, तो आपके पल 3 सही नहीं था, 1 और 2 सही था, ऑप्शन बदल जाता हाल ही, तो आप बड़े ध्यान से इसे नोटिस किया करिएगा। तीसरा कथन गलत क्यों इसलिए है? क्योंकि जो काली मिट्टी है हमारी, ये दक्कन के पठार के अधिकांश भाग पर फैली हुई है, जिसमें आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शामिल है, और रासायनिक रूप से काली मिट्टी चूने और लोहे, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। इसमें पोटास भी होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी देखी जाती है। इस मिट्टी का रंग गहरे काले और भूरे भूरे के बीच बदलता है, और आप जानते हैं इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कपास भी उगाया जाता है काली मिट्टी में। तो इसमें क्या लगाएंगे आप लोग? 1 और 2 कथन बिल्कुल सही है।
ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से इसे पढ़ लें और देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों को वहां पाए जाने वाले खनिजों के साथ सुमिलित करना है। एक तरह से हम लोग बचपन में इस तरह की सही जोड़ियां आती थी ना हम लोग छोटी क्लासों में, तो उसी तरह की बात की जा रही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में वहां पाए जाने वाले खनिजों के साथ सुमिलित करना है, यानी कि सही जोड़ियां मिलाना है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, यहाँ आपको अभ्रक देखने को मिलेगा, यानी कि एक दो के साथ सम्मिलित है। दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, यहाँ आपको मोनाजाइट देखने को मिलेगा, दो एक के साथ। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये आपका जिप्सम देखने को मिलेगा। हिमालयी पट्टी, एक कोवाल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो एक दो दो एक, तीन चार चार तीन। और एक बात आप लोग याद रखिए इसमें कि बड़ा मतलब सरल होता है इसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या पूछ रहा है? सही कूट हमें चुनना था, तो ए ऑप्शन सही होगा, एक दो दो एक तीन चार चार तीन। ठीक है, याद रखिए। उत्तर पूर्वी पठार है जो, ये आपका उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र शामिल रहता है इसमें। यहाँ आपको देखने को मिलेगा लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइड हो गया, अभ्रक हो गया, यहाँ सभी ये पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु से लगी जो उच्च भूमि और केरल, इसमें शामिल रहता है। इसमें आपको लोह अयस्क भी देखने को मिलेगा, बॉक्साइड भी देखने को मिलेगा, मैग्नीज भी देखने को मिलेगा, चूना पत्थर, मोनाजाइट, थोरियम, ये सभी यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे राजस्थान में अरावली, गुजरात का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। यह आपको तांबा, बलुका, पत्थर, जस्ता, ग्रेनाइट, जिप्सम, संगमरमर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, मुल्तानी मिट्टी, ये सभी देखने को मिलेंगे। हिमालयी पट्टी की बात करें तो यहाँ आपको, ये आपको पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों ओर पाई जाती है। यहाँ आपको तांबा, जस्ता, लेड, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हें अच्छे से याद रखिए। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है हमें। लोह अयस्क, कोयला और कपास भाग ह्रास वाले कच्चे माल हैं। बिल्कुल गलत है। फूट लूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधनों, सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि केवल दूसरा सही है, एक आपका गलत है। क्योंकि भारी हिरासी कच्चा माल वह होता है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भार में कमी आ जाती है, इसलिए कच्चे माल का भार उत्पादित वस्तु के भार से अधिक होता है। लो एस्क हो गया, कोयला, भार हिरासी कच्चे माल होते हैं, लेकिन कपास इस तरह में इसे शामिल नहीं किया जाता है। भार हिरासी कच्चे माल में कपास को शामिल नहीं किया जाता है। फूड लूज उद्योग को परिवहन सेवाओं आदि कारकों से अप्रभावी रहते हुए कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इन उद्योगों में उत्पादन लागत अक्सर सीमित होती है। उत्पाद को कहीं भी असेंबल किया जाए और उत्पादन लागत में कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे हीरा उद्योग, कंप्यूटर चिप उद्योग, फूट लूज उद्योग, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। ये ज्यादातर गैर प्रदूषणकारी उद्योग होते हैं, और याद रखिए। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन सही है, केवल दो कथन सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन? उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है हमें। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना है, जिसे खादर कहते हैं। बिल्कुल गलत है। खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त तो नहीं है। गलत है। बांगर क्षेत्र में नदी जल धाराएं विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः अवतरित हो जाती हैं। ये भी आपका गलत है। क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कोई भी सही
नहीं है, तो आपके तीनों कथन सही नहीं है। तो आप क्या लगाएंगे? सही नहीं है पूछ रहा है, तीनों कथन सही नहीं है। और एक पॉइंट याद रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि इस पॉइंट को या तो आप पहले पढ़कर इन्हें पढ़ सकते हैं बाद में, और जैसा आपको सूटेबल लगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पर कोई फोकस नहीं डाल रहा हूँ, जैसा आप भी आपको परीक्षा में अच्छा लगे, लेकिन बड़े अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है, इतना ही बोलूँगा। इसमें आखिर सही क्या होगा उस पर भी बात कर लेता हूँ। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन किसका? नवीन जलोढ़ मृदा का नहीं बना हुआ है, पुरानी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यह बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित है। इसे इन्हें हम लोग बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर, ना कि खादर। दूसरा है आपका, नए निक्षेपों को खादर कहा जाता है, जो नई मृदा आती है उससे क्या कहते हैं? खादर। ये हर वर्ष नए निर्मित होते हैं और यह उपजाऊ भूमि होती है और गहन खेती के लिए आदर्श होती है, यहाँ अच्छी खेती रहती है। तीसरे कथन की बात करूं तो शिवालिक के दक्षिण में और उसके समानांतर विस्तृत 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भावर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। जहां नदियां पर्वतीय भाग से नीचे उतरती हैं तो कंकड़ पत्थर व भारी अवसादों का निक्षेपण पर्वत के किनारे पर कर देती हैं, और ये इन्हीं अवसादों से भावर का निर्माण होता है। पर्वतों से उतरने के बाद भावर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। आप देखते हैं कि नीचे पत्थरों के जो भी कंकड़ रहते हैं उनके नीचे से बहने लगती है, फिर आगे देखेंगे आप लोग कि आगे अवतरित हो जाती हैं, निकल आती हैं ये नदियां। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? तीनों कथन गलत थे आपके, यानी कि तीनों सही नहीं थे। तो डी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे सामने क्या है क्वेश्चन? है हमारे सामने सूची एक और सूची दो को सम्मिलित साथ के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची एक है और सूची दो को हमें सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। वो तो सीधी सी बात है कि वो हमें सही जोड़ियां बनानी है। ए स्थान हो गए, ए उद्योग हो गए, बुगाई गांव, बोंगाई गांव, यहाँ देखेंगे आप लोग पेट्रो रसायन उद्योग देखने को मिलेगा। ए आपका 4 के साथ सही सम्मिलित है। कोरापुट, कोरापुट आपका विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिंजौर, ये आपका मशीनी उपकरण के लिए प्रसिद्ध है। सिरमौर, सॉरी सिरपुर, ये आपका कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। A4, B3, C2 और D1। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? A4, B3, C2, D1, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? सही होगा, बिल्कुल सही होगा। एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, याद रखिए क्योंकि आ जाता है, कई बार पूछ लेता है आपका, वो अंडे एग्जाम में भी पूछ लेता है। जो बुंगाई गांव है, यहाँ रिफाइनरी भारत की सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनियों में से एक है। सिरपुर की बात करूँ तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते होंगे। सिरपुर कागज मिल का को हैदराबाद की पूर्ववर्ती प्रांतीय सरकार द्वारा 1938 में, कब? 1938 में स्थापित किया गया था इसे। सिरपुर देश के सबसे पुराने कागज मिलों में से एक है। उड़ीसा के कोरापुट, उड़ीसा के एक कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में। कोरापुट को देश की एयर इंजन राजधानी माना जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि एयर इंजन राजधानी कौन सी है तो कोरापुट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन में मिग विमान हेतु इंजन निर्मित होता है। सुखोई SU-30 के इंजन का निर्माण भी यही हुआ था। और अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में आपको पिंजौर देखने को मिलेगा। यहाँ जाने माने मशीन उपकरण निर्माता हिंदुस्तान मशीन टूल यानी कि HMT के लिए जाना जाता है। ठीक है, मशीन उपकरण के लिए। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है क्वेश्चन? लोहे खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोह एस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट लोहे खनिज हैं। बिल्कुल सही है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट भारत में पाए जाने वाले लोह अयस्कों में से सबसे प्रमुख है।
ये भी आपका सही है। दुर्ग में डल्ली और राजहरा देश में लोह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख रहे हैं कि एक कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। एक और आपको बता दूँ एक बात, कि अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इन्हें सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि NCERT पढ़ लें पढ़ लें, क्योंकि समय रहते हुए अगर आप पढ़ लेते हैं तो पछताना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि इनका दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, तो आपको पढ़नी है ही। तो इससे अच्छा है कि पहले ही समय रहते हुए पढ़ लें। और वैसे भी आप लोगों की यहाँ कवर करवा दी गई है NCERT, तो वहाँ जाकर आप लोग देख लें, वही वही कंप्लीट करवाई गई है कवर जो आपकी सिविल सर्विस या फिर स्टेट PCS के लिए ज़रूरी है। उन सभी की PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए, पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। लोहे धातियों में प्राप्त देखते हैं लोहा होता है, और उनमें आवश्यक गुणों के लिए अल्प मात्रा में अन्य धातुएं या तत्व जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया, इन सभी को मिला दिया जाता है। देश में लगभग आप देखेंगे कि 17.88 अरब टन हेमेटाइट और लगभग आपके 10.64 अरब टन मैग्नेटाइट उपलब्ध है हमारे देश में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैला डीला और दुर्ग जिले में डल्ली राजहरा मुख्य लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं आपके। तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है। क्या लगाएंगे आप लोग? डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन से सुमिलित हैं, यानी कि हमें सही बताना है इनमें से, कि सही सुमिलित का बताना है। बॉक्साइट, लोहरदगा, बिल्कुल सही बात है। अभ्रक, कोडरमा, ये भी आपका सही है। कोयला, झरिया, ये भी सही है। यानी कि इसमें पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों सही है, क्या है, तीनों सही है, क्या है, तीनों सही है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि आपको महाराष्ट्र में ठाणे हो गया, ठाणे रत्नागिरी हो गया, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, ये सभी आपकी किसके बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध हैं, उत्पादक के लिए। और एक बात और याद रखिए, छत्तीसगढ़ में आप अमरकंटक पठार देखेंगे, बॉक्साइड निक्षेप होता है यहाँ, और जबकि मध्य प्रदेश में आपका कटनी, जबलपुर क्षेत्र और बालाघाट में भी देखेंगे बॉक्साइड का निक्षेप पाया जाता है। झरिया आपका कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध खदान है। उसके बाद आप रानीगंज को देखते हैं, कोडरमा ये आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। भारत में कुल अभ्रक का देखेंगे आप लोग कि इसका उत्पादन 50% से भी अधिक यहीं देखते हैं झारखंड में, कोडरमा माई का उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। बॉक्साइट, लोहरदगा, एक खदानें हैं याद रखिए, अभ्यक, कोडरमा, कोयला, झरिया। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? डी ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है तीनों सही हैं, क्या है, तीनों सही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस? नाभिकीय खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाभिकीय खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में यूरेनियम अयस्क नहीं पाए जाते हैं, गलत है, क्या है, गलत है। भारत थोरियम भंडार में समृद्ध है, बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि आप देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है, और धारवाड़ चट्टानों में आपको यूरेनियम का निक्षेप मिलता है। कहाँ? धारवाड़ चट्टानों में। भौगोलिक दृष्टि से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम, ताम बेल्ट के साथ अनेक स्थानों पर भी पाया जाता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि भारत में इसके अयस्क देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और थोरियम की बात करूँ तो ये आपको देखेगा केरल और महाराष्ट्र के तट के किनारे समुद्र तट की रेत में पाई जाने वाली एक मोनाजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है आपका थोरियम। तो यानी कि आपके दोनों ही लगभग पाए जाते हैं भारत में। इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही था, पहला गलत था, जिसे हम लोगों ने मिलकर सही बना दिया है। क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा, अगला,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। लोहा एवं इस्पात उद्योग एक बार एक भार ह्रास उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग एक भार ह्रास उद्योग है। पीछे अगर आपने अच्छे से सुना है तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। सूती वस्त्र एक भार ह्रास उद्योग है। बिल्कुल गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने है कि पहला कथन सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। दूसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि आपने देखा है कि कपास 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 एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका विनिर्माण प्रक्रिया में भार ह्रास नहीं होता है। इस प्रकार अन्य कारक जैसे करघा संचालित करने के लिए श्रम शक्ति, पूंजी बाजार को चलाने के लिए शक्ति उद्योग की स्थिति निर्धारित कर सकती है कहीं भी। और आप देखेंगे जो ह्रास उद्योग भार ह्रास उद्योग होते हैं यह अंतिम उत्पाद का भार उत्पादन बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल के भार से कम होता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि कच्चा आप लोग लोहा निकालेंगे उसमें आप लोग एक कच्चा माल जैसे ही आप लोग किसी उत्पादन करेंगे कोई वस्तु बनाएंगे तो उसके आप भार में ह्रास देखेंगे यानी कि भार में कमी देखेंगे। इसमें से बहुत मटेरियल निकल जाता है एक तरह से यही कह सकते हैं हम लोग। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग NCERT बढ़ेंगे आपका पूरा बेस बना के रख देंगे। बड़े अच्छे से समझा देंगे आपको कि ऐसा और इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो इसलिए अब बड़े अच्छे से पढ़ लीजिए यही मैं तो कहता हूँ। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने फुटलूज उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। इसे बिना विशिष्ट लाभ के किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः इसमें अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। ये गलत है आपका। फुटलूज उद्योग में परिवहन लागत कुल लागत का एक छोटा हिस्सा होता है। ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक और तीन आपका सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? सबसे पहले याद रखिए फुटलूज उद्योग एक ऐसे उद्योग के लिए सामान्य शब्द है जिसमें संसाधन हो गया, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया और उपक्रम जैसे ये उत्पादन के जो कारक हैं इनसे कारकों से प्रभावित किए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। कहीं भी इसका जहाँ उत्पादन होता है उसे कहीं भी लगा सकते हैं आप लोग। इसको उत्पादन उच्च मूल्य वर्धन वाले और आकार में छोटे होते हैं इसलिए परिवहन लागत कुल लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसमें उद्योगों के लिए आमतौर पर बहुत कम उत्पादन स्थान की आवश्यकता होती है। साथ ही ये आमतौर पर कम प्रदूषणकारी भी होते हैं। इनमें अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है इसलिए ये कुशल श्रमिकों को आकर्षित करते हैं। और ये उद्योग विश्वविद्यालय के निकट स्थित होते हैं जहाँ आवश्यक कुशल श्रमिकों के रहने की संभावना होती है। ये इसमें देखेंगे उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, IT, ITES, हीरा कटिंग, घड़ी, इस तरह के आपके फुटलूज उद्योग में शामिल है आपकी। और आप जानते हैं कि इस तरह के उद्योगों में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। समझ रहे हैं आप लोग? कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? एक और तीन सही था। एक और तीन सही था। चलते हैं अगले। सी ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने निम्नलिखित बंदरगाहों से संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित बंदरगाहों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है यानी कि सही जोड़ी फिर से बनाने के लिए आ चुकी है। ये आपके बंदरगाह हो गए, ये राज्य हो गए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एन्नौर ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। मारमा गाओ ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। और पारादीप ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूछ रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो एक चार के साथ मिल रहा है, एक एक किसके साथ मिल रहा है? चार के साथ, ठीक है। दूसरा इन्नौर,
किसके साथ मिल रहा है? दूसरा आपका एक के साथ मिल रहा है। मार्मा गाओ, तीसरा किसके साथ मिलान कर रहा है? तीसरा तीसरे के साथ मिलान कर रहा है। और पारादीप किसके साथ मिलान कर रहा है? ये आपका दूसरे के साथ, चार दो के साथ मिलान कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे एक चार दो एक, तीन तीन चार दो। एक चार दो एक, तीन तीन चार दो, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र की नेहावा सेवा में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को एक उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। याद रखिए यह भारत में सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अगर हम लोग एन्नौर की बात करूं तो चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए चेन्नई से 25 किलोमीटर उत्तर में एन्नौर बंदरगाह बनाया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, मार्मागाओ की बात करूं तो जुरी जुरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित मार्मागाओ बंदरगाह गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लोह अयस्क के निर्यात की आपूर्ति के लिए वर्ष 1961 में पुनः तैयार करने के बाद इसे महत्व दिया गया है। ठीक है, और अगर पारादीप की बात करें हम लोग, द्वीप की, पारादीप बंदरगाह, तो ये उड़ीसा, उड़ीसा में महानदी डेल्टा में एक कटक से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सबसे गहरा बंदरगाह है जो जहाज़ों के संचालन के लिए विशेष रूप से अनुकूल भी है। इसे मुख्य रूप से लोहे की बड़ी पैमाने पर निर्यात आपूर्ति के लिए विकसित किया गया है, यानी कि लोहा हम लोग बाहरी देशों को भेजने के लिए। तो याद रखिए इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में के विकास को गतिशीलता प्रदान करता है या करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गतिशीलता प्रदान करते हैं? मुंबई बंदरगाह, कपास उत्पादक क्षेत्र में निकटता, वर्ष 1869 में स्वेज नहर का खुलना, ये तीनों आपके शामिल हैं। क्या हैं? तीनों शामिल हैं आपके, तीनों सही हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र में मुंबई ठाणे से पुणे तक और निकटवर्ती जिलों नासिक और सोलापुर तक फैला हुआ है। इसके अलावा कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव इत्यादि जिले में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है यहाँ। इसमें मुंबई बंदरगाह भी शामिल है। 1896 में आपका जो स्वेज, सॉरी 1800 स्वेज नहर के खुलने के कारण आपने देखा है कि ये भी इसके कारक में शामिल है आपका, और कपास उत्पादक क्षेत्रों में निकटता भी आपकी शामिल है। ठीक है, 1869 में खुली थी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही भी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है हमारे सामने, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन मृदाओं में पोटास अधिक किंतु फास्फोरस की कमी होती है। कहने का मतलब है कि जलोढ़ मृदा में पोटास अधिक होता है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। ये आपका बिल्कुल सही है। गंगा के निचले और मध्यवर्ती मैदानों में ये मिट्टियाँ दोमट और चिकनी होती है। ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एक कथन भी आपका सही है और दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। एक दो दोनों आपके सही है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन इज राइट। बड़े ध्यान से उत्तर पुस्तिका में भी इसे लगाया करिएगा, क्योंकि आते हुए अगर आ जाए क्वेश्चंस
और फिर भी हम लोग गलत कर बैठे तो बड़ा दुख होता है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी का विकास कम वर्षा वाली रवेदार चट्टानों के क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही बात है। तमिलनाडु में लाल लेटेराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। ये भी आपका सही है, ये भी क्या है, सही है। लवणीय मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण उत्पन्न निक्षालन के परिणाम स्वरूप होता है। लवणीय मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण उत्पन्न निक्षालन के कारण के परिणाम स्वरूप होता है। ये आपका गलत है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक दो सही है लेकिन तीसरा गलत है आपका। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि लेटेराइट मृदा, लेटेराइट जो शब्द है लेटिन शब्द लेटर से निकला हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। यह उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन क्रिया का परिणाम होती है, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन सही था, सी, केवल तीसरा गलत था और एक और दो सही था इसमें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, गहन कृषि क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में परिवर्तित हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गहन कृषि क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा लवणीय मृदा में परिवर्तित हो रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में नमक जमा हो जाता है। बिल्कुल सही है। लवणता की समस्या के समाधान के लिए किसानों को जिप्सम का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो आप देखेंगे एक कथन भी सही है और दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। लवणीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ऊसर मृदा के नाम से। लवणीय मृदा में भारी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सभी देखने को मिलेगा और यह अनुर्वर होती है, यानी कि उर्वरता इसमें कम होती है। बिल्कुल किसी प्रकार की वनस्पति के विकास के लिए ये उपयुक्त नहीं होती है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सी ऑप्शन, क्योंकि आपने देखा है कि दोनों कथन इसमें बिल्कुल सही है आपके। क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, पेडोकल मृदा यानी कि पेडोकल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माफ करिए अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही हो तो आप एडजस्ट करिए, पता नहीं कि उसकी काम चल रहा है पास में। पेडोकल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मृदा शुष्क, अर्ध शुष्क और अर्ध नम क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टी आपको मृदा शुष्क, अर्ध शुष्क और अर्ध नम क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम तथा खनिज विद्यमान होते हैं, इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम और खनिज विद्यमान होते हैं, ये भी आपकी बिल्कुल सही है। समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में मरुस्थलों के आसपास स्टेपी और पेरी जैसे घास के मैदान इन मैदानों पर ही विकसित हुए हैं, ये भी आपका सही है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, एक भी सही है, क्या है, एक भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी आपका सही है, यानी कि तीनों कथन आपके सही हैं। मारुभूत ने उनकी विशेषताएं क्षेत्रियों के आधार पर मृदाओं को दो व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया। पेडोकल ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की भूमि है, यह लेटिन शब्द कैल्सिस और कैलेक्स चूना के साथ ग्रीक शब्द पीडो यानी कि जमीन के संयोजन से बना हुआ शब्द है आपका, कौन सा, पेडोकल। इन मृदाओं की संरचना में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की उपस्थिति होती है। इनमें मृदा जैव पदार्थ बहुत कम होते हैं। पेडोकल मृदाएं वहां बनती हैं जहां सामान्य रूप से घास और झाड़ियां पाई जाती हैं।
घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं आपकी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, 1, 2, 3 सही हैं तीनों। क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये आपका लो हेस्क हो गया, भंडार, और ये देश हो गया। कैर्च प्रायद्वीप ब्राजील देश, ये बिल्कुल गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। कोस्ताने कजाकिस्तान, ये आपका बिल्कुल सही है। स्टीक रॉक यूएसए, ये भी आपका गलत है। चाहार चीन, ये सही है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो 1 भी आपका सम्मिलित नहीं है और 3 भी सम्मिलित नहीं है, 1 और 3 सम्मिलित नहीं है, लेकिन 2 और 4 आपका सम्मिलित है। याद रखिए, आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने आपका पूरा मानचित्र कवर किया हुआ था, पूरी एक पुस्तक कवर की हुई है जिसमें सब कुछ पढ़ाया गया है, आपका पूरा मतलब विश्व को लेकर पढ़ाया गया है। मुझे लगता है कि आप उसे कवर कर लें तो उसके बाहर आपका मैप्स का क्वेश्चंस कोई नहीं जाएगा, और पूरा मैप्स का सहारा लेकर बताया गया है आपको। तो मानचित्र के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसे जाकर आप लोग देख लें, पूरा बताया गया है। एक बार जरूर जाकर देख लें क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा लगा तो ठीक है वरना छोड़कर निकल जाना। तो इसमें 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है। लेकिन 1, 3 गलत क्यों है उसे भी बता देता हूँ। कैर्च प्रायद्वीप रूस में क्रीमियाई प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ? रूस में। कैर्च प्रायद्वीप आपका कहाँ है? रूस में। रूस में क्रीमियाई प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यहाँ आपको अच्छी गुणवत्ता वाला लोहे अयस्क भंडार देखने को मिलेंगे। ब्राजील में लोहे भंडार पारा जिले, ब्राजील में कहाँ लोहे भंडार आपको पारा जिले के कारजस नामक स्थान पर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए एक गलत था। तीसरा क्यों गलत था उस पर भी बात कर लेता हूँ। स्टीप रॉक, स्टीप रॉक सुपियर झील के पास कनाडा का पारंपरिक लोहे अयस्क भंडार है। कहाँ का? कनाडा का। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहे अयस्क भंडार की अगर बात करें यूएसए में, तो पारंपरिक क्षेत्र में झील क्षेत्र और अलबाबा अलबामा राज्य में आपको देखने को मिलेगा यूएसए में। स्टीप रॉक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सुपीरियर झील के पास कनाडा में। और आप देखेंगे कुस्ताने आपके कजाकिस्तान में है, और चाहार की बात करूं तो ये आपका चीन में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या लगाएंगे, सही नहीं है। तो ए ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा था, तो 1 सही नहीं था और तीसरा भी सही सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बड़ी समस्या बनी रहती है, आप लोग सुनते हैं जब भी बरसात होती है तो बिहार में ज्यादा कुछ आपको सुनाई देता है, असम की तरफ भी आपको सुनाई देता है। भारत में बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, लाखों लोग इससे प्रभावित भी होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जलधाराओं तथा नदी तंत्रों के अवरोधन से आकस्मिक बाढ़ आती है, ये भी आपका सम्मिलित है। ब्रह्मपुत्र में आने वाली वार्षिक बाढ़ धान की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है, ये भी आपका सही है। तमिलनाडु में शीत ऋतु में बाढ़ आती है, यानी कि ठंड के टाइम बाढ़ आती है, ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीनों आपके कथन सही है, 1, 2, 3 तीनों कथन आपके सही है। क्योंकि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य आकस्मिक बाढ़ के कारण ही जलमग्न होते हैं। ऐसा आंशिक रूप से मानसून की प्रकृति के कारण और आंशिक रूप से मानव गतिविधियों द्वारा नदियों का मार्ग अवरोधित होने के कारण होता है। यानी कि कह सकते हैं कि बाढ़ के आने में मानव की भी भूमिका है। कभी कभी आप देखते हैं कि तमिलनाडु में मानसून के निवर्तन यानी कि लौटने के कारण नवंबर से जनवरी के दौरान भी बाढ़ देखने को आपको मिलती है, समझ रहे हैं? बाढ़ के कुछ मतलब लाभ भी हैं आने के। प्रत्येक वर्ष बाढ़ कृषि योग्य खेती में उपजाऊ गाद यानी कि मिट्टी लेके आती है,
क्योंकि बाढ़ आएगी तो आप देखेंगे मिट्टी भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और उपजाऊ मिट्टी भी ले आती है, तो ये धान की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण भी करती है। इसमें आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन? डी ऑप्शन 1, 2, 3, तीनों कथन सही है। बिल्कुल क्या है, तीनों कथन सही है। एक बार आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें बैठकर, ठीक है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। गलत है। यह कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गलत है। इसे एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। ये आपका सही है। पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख रहे हैं आप लोग कि केवल तीन कथन सही है, बाकी एक और दो गलत है। क्यों है दो गलत, एक दो? तो आप जानते होंगे कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम इसे कब शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में, 1973-74 में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, ना कि 5वीं में, ठीक है। इसलिए गलत था। यह कार्यक्रम आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। यह कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भूमि विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें आपका केवल तीसरा कथन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। सी लगाएंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या पूछता है क्वेश्चंस? निम्नलिखित कारकों में से कौन से मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं, यानी कि मिट्टी निर्माण को नियंत्रित करते हैं? मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक गतिविधि, समय भी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो आप देख रहे हैं कि पांचों इसमें शामिल रहते हैं। क्या करते हैं ये सभी पांचों कारक? आपकी मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। मृदा निर्माण के कारण पांच बुनियादी कारक मृदा को नियंत्रित करते हैं, निर्माण को, यानी कि मिट्टी के बनने को। मृदा निर्माण के कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और एक दूसरे के कार्य को प्रभावित भी करते हैं। मूल पदार्थ या मृदा के गठन में एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है, समझ रहे हैं आप लोग? अगर स्थलाकृति की बात करूं तो मूल पदार्थ जैसे स्थलाकृति एक अन्य निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। अगर हम लोग जलवायु की बात करें तो मृदा के निर्माण में जलवायु भी एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। कैसा है? सक्रिय कारक है। अगर जैविक गतिविधि की बात करूं तो ये प्रारंभ से तथा बाद के चरणों में मूल पदार्थ पर वनस्पतिक आवरण और जीव जगत की उपस्थिति और ऑर्गेनिक पदार्थ नमी को रोक रोक के रखना, नाइट्रोजन आदि को जोड़ने में मदद करती है आपकी जैविक गतिविधि। समय की बात करूं तो यह मृदा के गठन में तीसरा महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक है। मृदा में गठन की प्रक्रियाओं में लगने वाला समय उसकी परिपक्वता और रूपरेखा को निर्धारित करता है। क्या? समय। कोई मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की समस्त प्रक्रियाएं रूपरेखा को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय तक कार्य करती हैं, यानी कि पर्याप्त समय मिलता है। तो इसमें देखेंगे आप लोग कि पांचों कारक इसमें शामिल रहते हैं, यानी कि आप डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला, मैसेडोनिया गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना है, विश्व के जो भी आपके महाद्वीप हैं उनके बारे में भी जाना है और सभी देशों के बारे में विस्तार से पढ़ा हुआ है। तो आप लोग मैप्स में जाइए, वहाँ मैप्स वाली प्लेलिस्ट में डला हुआ है सब कुछ मटेरियल, पूरी एक बुक्स आपकी कवर कर दी गई है, उसमें भारत को भी आपका शामिल किया गया है। तो जो भी आपका ज्योग्राफी में मैप्स वाला पार्ट होता है उस सबको कवर करवा लिया गया है। और आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में 70% तक, 70-75% तक तो आप देखेंगे कि मैप्स का ही योगदान रहता है। अगर आप मैप्स को कवर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। क्या पूछा है इसमें? मैसेडोनिया गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने आधिकारिक तौर पर अपना नाम परिवर्तित कर उत्तर
मैसिडोनिया गणराज्य कर लिया है, ये आपका बिल्कुल सही है। वर्ष 1991 में ग्रीस से अलग हुआ था, ये आपका गलत है। क्या पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात इस देश ने मैसोडोनिया नाम चुना था। ग्रीस से अलग नहीं हुआ था, किससे हुआ था? यूगोस्लाविया से। ठीक है, तो इसमें आपका ए सही है। क्वेश्चन है अगला हमारा, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित की? इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित की? तो यह आपका विश्व आर्थिक मंच। एक बात और आपको बता दूं कि इस तरह के जो भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, तो आप लोग पढ़ लें। महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसमें जाकर भी आप लोग देख सकते हैं, विस्तार से बात की गई है। अगर अभी बता दूं आपको कि वैश्विक आर्थिक मंच की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी, इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहाँ? स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिए। अगर आपकी इसकी भी बता दूं, इन तीन संगठनों की, वैसे तो आपका विस्तार में बहुत विस्तार से बताया गया है, फिर भी बता देता हूँ। जो संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम है, इसकी स्थापना आपने देखेंगे 5 जून 1972 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपको केन्या में देखने को मिलेगा। कहाँ? केन्या में। और फिर आपका है खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके बारे में आपको बताऊं तो इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय आपको रोम इटली में देखने को मिलेगा। और विश्व बैंक के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी कि जुलाई 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपको वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में देखने को मिलेगा, स्टेट्स में। ठीक है, इन सभी संगठनों के बारे में आपका विस्तार से मैंने बात की हुई है, तो आप वहाँ जाकर अच्छे से देख लें, क्योंकि इस तरह के कई संगठन आपके पूछ लेते हैं और ये जो इंडेक्स जारी करते हैं उनके बारे में भी आपका पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? अभी सी ऑप्शन, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच आपकी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करती है, और एक किन आधार पर जारी करती है, यानी कि जो जब तैयार करती है रिपोर्ट को किन्हें लिया जाता है, तो इसमें आप देखेंगे आर्थिक विविधता हो गया, भू राजनीतिक तनाव हो गया, सामाजिक व राजनीतिक तनाव हो गया, पर्यावरण ह्रास हो गया, तकनीकी अस्थिरता हो गई। इन 5 कारकों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने अगला। देखिए, अगर तेज आपको लगता है कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप धीमा भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, और आपको लगता है मैं धीमा बोल रहा हूँ तो आप स्लो भी कर सकते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि आप लोग, अब आपके हाथ में रहता है, आप जैसे भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद बायो बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक शोषण की एक अनैतिक पद्धति है, गलत है। एक प्रक्रिया जिसमें कृषि विज्ञान पद्धतियों द्वारा खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, गलत है। जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित खोज है। जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित खोज है, ये आपका सही है। जीव जंतु द्वारा पदार्थों का संश्लेषण है, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका क्या होगा? सी ऑप्शन, बायो प्रोस्पेक्टरिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित खोज, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका मूल उद्देश्य की अगर बात करें तो सभी को लाभान्वित कर सकने वाली उचित क्षतिपूर्ति प्रणाली का ना निर्माण करते हुए अनुवांशिक साधनों व स्वदेशी ज्ञान से अधिकतम व्यावसायिक मूल्य प्राप्त करना होता है, इसका मेन उद्देश्य। इसे जैव विविधता पूर्वेक्षण भी कहते हैं, या फिर बायो प्रोस्पेक्टरिंग औषधीय कृषि प्रसाधन व अन्य अनुपयोगों के लिए व्यावसायिक रूप से मूल्यवान उत्पादों को विकसित करने हेतु प्रकृति में जैव रासायनिक एवं अनुवांशिक जानकारी की व्यवस्थित खोज करती है,
इसके तहत, ठीक है, याद रखिए, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गगनयान परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, बिल्कुल सही बात है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित पृथ्वी कक्षा में ले जाएगा, निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जाएगा, ये भी सही है। क्या पूछा है उपयोग कथनों में से कौन सा सही है? तो एक भी सही है और दो भी सही है। याद रखिए, आप पहले इसे भी पढ़ सकते हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, फिर आप इसे इनको देख सकते हैं, फिर आप आंसर देख सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, वैसे आप लोग इसे कर सकते हैं। गगनयान परियोजना का लक्ष्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एक चालक दल मॉड्यूल के अंदर अंतरिक्ष में भेजना है। चालक दल को आप देखेंगे श्रीहरिकोटा से रवाना किया जाएगा और वे 5 या 7 दिन वहाँ रहेंगे, 5 से 7 दिन। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। इसे इस परियोजना को 2022 तक क्रियान्वित की करने की बात की जा रही है। आगे बात करेंगे किस तरह से रहता है, इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग करंट में भी जुड़े रहा करिएगा। आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की, तो आपसे कहा भी जाता है कि करंट में डेली आप लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रहता है आपका करंट का। यदि मिशन सफल रहा तो सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला चौथा राष्ट्र होगा, क्योंकि सोवियत संघ भी भेज चुका है, अमेरिका भी भेज चुका है, चीन भी भेज चुका है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? सी ऑप्शन, दोनों कथन सही है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। मिलते हैं हम लोग 12वें टेस्ट के साथ, ठीक है, इन्हें एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़िए। आप लोग एक बार आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत मटेरियल दे चुका हूँ। अगर आप स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब भी बहुत कुछ आपके लिए, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत मटेरियल है। और एमपीपीएससी और यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए इनके जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें भी सॉल्व करवा चुका हूँ, और आपके जो भी इनमें यूपी यानी कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है या उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है उसे भी कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची जरूर देख लें, ठीक है।